हेलो फ्रेंड्स प्रोग्राम आउटपुट फाइंड करने की सीरीज़ में आज हम कुछ प्रोग्राम के आउटपुट फाइंड करेंगे बेसिकली आउटपुट फाइंड करने के साथ साथ लॉजिक कैसे लगाते हैं लगा है इस कंपाइलर इस प्रोग्राम को कैसे समझ रहा है उस चीज़ को भी हम देखेंगे तो बेसिकली आप यहां पर प्रोग्राम को देख सकते हो ये मेरा एक अठारह लाइन का एक प्रोग्राम है अगर आप चाहते हो कि इसे आप खुद से करो तो बेसिकली आप यहीं पर इस वीडियो को पॉज करके इस कोड को आप अपना आउटपुट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ठीक है यहाँ पर हमने सबसे पहले डेटा टाइप्स बनाया इंटीजर डेटा टाइप से उसके अंदर मेरा एक्स वेरिएबल है जो कि टेन वैल्यू को असाइन किया है उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ठीक है इट मीनस क्या एक्स की वैल्यू क्या है टेन है उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा है इसका मतलब क्या है अगर कंडीशन ठीक होता है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो यहां पर आएगा उसके बाद ये कंडीशन चलेगा अगर ये भी फॉल्स होता है तो यहाँ पर आएगा उसके बाद ये कंडीशन चलेगा अगर ये भी फॉल्स होता है तो उसके बाद यहाँ पर आएगा ये कंडीशन चलेगा उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी वो प्रिंट कर देगा ठीक है ये है लॉजिक इसकी तो चलिए x की वैल्यू 10 है देखते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो चलता है कि नहीं चलता है यानी सत्य है या ट्रू है या फॉल्स है तो यहाँ पर अगर हमारा x की वैल्यू 10 है तो अगर मैं x को अगर यहाँ पर हटाकर 10 लिख दूं तो आप बताओ कि क्या 10 ग्रेटर देन है टेन क्या दस दस से बड़ा है ये बेसिकली अगर यहां पर इक्वल टू होता तो कह सकते थे कि सत्य है लेकिन यहां पर ये कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा और इफ स्टेटमेंट से बाहर आकर एल्स में ढुकेगा फिर एल्स के अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट बनाया है उसमें कह रहा हूं कि एक्स की वैल्यू डालो फिर यहां पर एक्स की वैल्यू क्या पड़ी हुई है दस पड़ी हुई है ना फिर ये कह रहा है कि दस क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है जीरो से मतलब क्या दस जो है जीरो से बड़ा है या फिर उसके बराबर है तो आप कह सकते हो कि हाँ जो हमारा दस है वो जीरो से बड़ा है दस है हमारा जीरो से बड़ा है तो बेसिकली वो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब ये क्या है ठीक है अब इसको हम समझ लेते हैं ये क्या प्रिंट करेगा तो इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं इसको पहले एक्स कर लेता हूं मैं ठीक है एक्स कर लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में ये आप देख सकते हो यहां पर प्लस है और यहां पर इक्वल टू है यानी यह है एक एड ऑपरेटर और यह है असाइन ऑपरेटर अगर इस तरह से अगर तो आपको कहीं देखे तो इसका मतलब होता है इट्स एड द राइट ऑपरेंट टू तो लेफ्ट ऑपरेंट एंड असाइन द रिजल्ट ऑफ द ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंट इसका मतलब क्या हुआ ये कुछ ऐसे काम करेगा मैं यहां पर कमेंट आउट करके कर दे रहा हूं यानी x में जो वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको बेसिकली ये x इज इक्वल टू क्या करेगा ये x प्लस जीरो जीरो करेगा यानी ये जो लेफ्ट हमारा अप्रेंड है उसको जोड़ देगा राइट ऑफरेंट से और वैल्यू असाइन कर देगा लेफ्ट ऑफरेंड में ठीक है तो बेसिकली आप मुझे बताओगे कि हमारा x में क्या पड़ा है भाई x में तो 10 पड़ा है और 10 के साथ क्या हमें जोड़ना है जीरो जोड़ना है और जो 10 और जीरो जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा तो यहां पर x वेरिएबल में हमारा वो क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा तो हम बेसिकली यहां पर लिख सकते हैं दस यानी जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वो हमारा दस आएगा बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो प्रिंट एफ उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन यहां पर ट्रू होगी ये डायरेक्ट यहां पर आएगा ये इसको नहीं चेक करेगा क्योंकि आपने यहां पर एल्स स्टेटमेंट को लगा दिया है तो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा यहां पर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा वो ऑटोमेटिक आपके स्टेटमेंट पाएगा प्रिंट एफ परसेंट यानी एक्स की वैल्यू वो क्या कर देगा डिस्प्ले कर देगा तो एक्स में आपका क्या पड़ा हुआ है एक्स में तो 10 पड़ा हुआ है तो वो 10 की बेसिकली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा तो चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और रन कराते हैं क्या आ रहा है या आप देख सकते हो जो वैल्यू है एक्स की वो क्या आई भाई 10 10 आई ठीक है तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था उसके साथ मेरा एक और प्रोग्राम है सेकेंड नंबर ये क्या होगा ठीक है Basically, अगर आप इसे खुद से बनाना चाहते हो तो वीडियो को कर कर, और सॉल्व और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इसका सेकेंड प्रोग्राम का जो आउटपुट है ये आएगा तो मैंने यहाँ पर एक इंट डेटा टाइप्स लिया बिल्कुल उसी के जैसा सिमिलर है और एक मैंने ए नाम की वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर माइनस दस क्या माइनस दस असाइन किया हूं और बी नाम के वेरिएबल है उसके अंदर ट्वेंटी यानी ए की वैल्यू अभी माइनस दस है और बी की वैल्यू है ट्वेंटी चलिए जी हमने एक इफ स्टेटमेंट में कंडीशन बनाया है कि जो ए की वैल्यू है वो जीरो से बड़ा है तो मुझे सपोज करो जीरो से बड़ा है और या बी की वैल्यू है वो जीरो से छोटा है तो ये दोनों अगर कंडीशन सत्य होगा तभी जाकर ये स्टेटमेंट चलेगा अगर ये एक में से एक भी फेल होता है एक भी फॉल्स होता है तो ये ऑटोमेटिकली इफ से बाहर आकर एल्स के अंदर इसको चेक करेगा फिर अगर ये भी सत्य हुआ तो इसको प्रिंट करेगा अगर ये भी फॉल्स होता है तो इसके बाहर आकर इसको चलाएगा उसी तरह से चलता चलता है ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो ये बोल रहा है ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है ए में हमारा माइनस दस बाड़ा हुआ है isn't it? तो minus 10, मुझे एक बात बताओ minus 10 कभी भी जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है तो ये हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स है यानी हम इसके बाहर निकल जाएंगे ये हमारा कभी प्रिंट ही नहीं करेगा वन सेकेंड ये हमारा कभी प्रिंट ही नहीं करेगा उसके बाद ये अब इस स्टेटमेंट से बाहर आया अब इसके बाद एल्स में जाएगा एल्स में यहां पर एक कंडीशन लिखी हुई है ये चेक करेगा तो यहां पर बोल रहा है इफ ए लेस देन इक्वल टू जीरो या बी लेस देन इक्वल टू जीरो क्या ये सत्य है तो चलिए देखते हैं के में क्या पड़ी हुई है माइनस दस ठीक है और बी में क्या पड़ा हुआ भाई बी में पड़ा हुआ है बीस क्या बताओ ये तो ठीक है इतना दूर तो ठीक है भाई जो माइनस दस है वो जीरो से छोटा है लेकिन यहां पर बीस प्लस की 20, वो जीरो से छोटा है क्या वो नहीं है तो ये बेसिकली ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये भी इस इफ स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा और प्रिंट करेगा एक सेकेंड क्यों डबल आ रहा है एक सेकेंड और यहां पर मुझे बी लिख देता हूं ठीक है बी ओके अब यहां से ये बाहर आया उसके बाद इस एल्स में आएगा और यहां पर भी एक कंडीशन है इसको अब चेक करेगा जब इसको ये चेक करेगा तो यहां पर देखेगा ए लेस देन इक्वल टू जीरो और बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलो यहां पर थोड़ा इसकी वैल्यू रख देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए माइनस दस था ए की वैल्यू ऊपर देख सकते हो एक में क्या पड़ा हुआ है माइनस दस और बी में पड़ा हुआ है बीस और यहां पर बी की वैल्यू हम रखते हैं बीस अब मुझे बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू होगा देखो बेसिकली कहोगे कि ट्रू होगा क्योंकि जो माइनस दस है वो क्या है जीरो से जीरो से क्या है छोटा है है, और जो बीस है वो जीरो से बड़ा है। यानी ये कंडीशन हो गई सत्य ये कंडीशन हो गई ट्रूथ एक बार मुझे यहाँ पर सेकेंड और उसके साथ साथ, साथ, साथ मुझे यहां पर बी लिखना होगा ठीक है मैं यहां पर बी लिख देता हूं उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट चलेगी ठीक है यानी बी को बोल रहा है डिक्रीमेंट कर दीजिए बी को बोल रहा है डिक्रीमेंट मतलब क्या यानी बी के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसमें एक को घटा दीजिए तो शुरुआत में हमारी बी की वैल्यू क्या थी ट्वेंटी उसमें से हम इसका बेसिकली मतलब होता है एक घटा देना ठीक है एक घटा देना तो बी की वैल्यू क्या हुई है अभी शुरुआत में हमारे पास ट्वेंटी है और ये कंडीशन चलने के बाद हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि बी को डिक्रीमेंट कर दो यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब ट्वेंटी नहीं बल्कि अब क्या हो जाएगी नाइनटीन यानी उन्नीस बीस की अब वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद यहां पर आएगा उसके बाद यहां पर आएगा और बोलेगा a प्लस बी कीजिए मैं कमेंट आउट करके समझा देता हूं a प्लस बी का मतलब क्या है a में जितने वैल्यू पड़ी हुई है यानी a में क्या पड़ा हुआ है माइनस दस अब प्लस कीजिए उसमें किसको b के अंदर जितनी वैल्यू है b के अंदर यहां पर आप देखोगे सीधा आपको देखेगा ट्वेंटी लेकिन यहां पर कंडीशन चलने के बाद बी की वैल्यू ट्वेंटी नहीं बल्कि क्या हो गई है 19. तो अब यहां पर लिखेंगे लिखेंगे हम हम 19 ठीक वन यहां यहां पर पर क्या लिखेंगे हम? 19. यहाँ पर हमारा 19 आएगा तो अब बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा नाइन अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराए तो आंसर मुझे नाइन मिलता है मिल जाएगा चलिए देख लेते हैं बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो आउटपुट मेरा रहा ना तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का मैं वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूंगा थैंक यू